गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने बताया था कि आज हम लोग रिडक्शन फार्मूला को पढ़ेंगे तो बेसिकली रिडक्शन फार्मूला क्या है तो इंटीग्रल को किसी दूसरे फॉर्म में लिखने का तरीका है राइट जैसे आपके पास इंटीग्रल मान लीजिए आई एन इक्वल टू साइन एक्सरेस टू पावर एन इसका रिडक्शन लिखना है मतलब इस एन पावर को दूसरे फॉर्म में हमको ले आना है राइट तो देखिए रिडक्शन लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग बाई पार्ट्स या सब्सटीट्यूशन कहीं कहीं यूज करते हैं राइट तो देखिए ध्यान दीजिएगा तो इसमें पार्ट्स लगाना चाहते हैं तो इसको पहले दो फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो साइन एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख लिया राइट अब पार्ट्स लगाएंगे ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकेंड फंक्शन है राइट तो पार्ट्स लगाइए तो साइन एन माइनस वन एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स राइट माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स राइट इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स डी एक्स ठीक है ये बना राइट right? अब इसको लिख सकते हैं साइन एन माइनस वन एक्स माइनस कॉस एक्स राइट एन माइनस वन बाहर तो माइनस एन माइनस वन बाहर ठीक है साइन एन माइनस टू एक्स राइट क्लियर है ये माइनस भी बाहर कर दीजिए तो यहाँ हो गया प्लस राइट right? बचा कॉस स्क्वायर एक्स तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स राइट अब अलग अलग कर दीजिए इसको तो इसको लिखेंगे साइन एन माइनस वन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन राइट इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू एक्स डीएक्स राइट क्लियर है उसके बाद माइनस एन माइनस वन राइट अब ये मल्टीप्लाई होके साइन एक्स रेज टू दी पावर एन डी एक्स दे देगा राइट right? देखिए तो ये वाला टर्म क्या है तो ये नथिंग बट आई एन माइनस टू है ये वाला टर्म क्या है तो ये है आई एन तो आई एन वाला एक साइड ले आइए तो राइट तो इस साइड ले आएंगे इसको तो आई एन कॉमन वन प्लस एन माइनस वन तो एन आई एन की वैल्यू आ गई साइन एन माइनस वन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस राइट एन माइनस वन आई एन माइनस टू राइट तो आई एन की वैल्यू आ गई साइन एन माइनस वन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन आई एन माइनस टू राइट तो इस तरीके से साइन एक्स रेस टू दावर एन का रिडक्शन फॉर्मूला मिल गया अब एन की कुछ भी वैल्यू लीजिएगा इस फॉर्म में उसको रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है करेक्ट सिमिलरली रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ आई एन इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू दावर एन निकालेंगे राइट right? तो फिर से वही काम करेंगे इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे कॉस एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स बाय पार्ट्स लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन राइट तो लिखेंगे कॉस एन माइनस वन एक्स इन साइन एक्स राइट माइनस डिफ्रेंसिएशन तो एन माइनस वन क्लियर है ये हुआ कॉस एन माइनस टू एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स ठीक है ये मिल गया आपको अब ये है कॉस एन माइनस वन एक्स इन साइन एक्स माइनस माइनस प्लस एन माइनस वन बाहर कॉस एन माइनस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लीजिए ठीक है फिर से यहां से अलग अलग कर दीजिए तो कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन राइट कॉस एन माइनस टू एक्स डी एक्स राइट माइनस एन माइनस वन कॉस एक्स रेस्ट टू पावर एन डी एक्स ठीक है अब देखिए तो ये वाला क्या है तो आई एन है ये वाला क्या है तो आई एन माइनस टू है ठीक है अब एक साथ आई एन वाला टर्म ले आइए तो फिर से एन आई एन की वैल्यू कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स राइट प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू वाला राइट तो आई एन की वैल्यू आ गई कॉस एन माइनस वन एक्स इन साइन एक्स प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन आई एन माइनस टू तो ये रिडक्शन फॉर्मूला निकला कॉस एक्स रेस टू दी पावर एन तो साइन से डिफरेंस क्या है तो जहां साइन था वहां कॉस है जहां कॉस है वहां साइन आ गया साइन सिर्फ यहां पॉजिटिव आ गया बाकी सब सेम है ठीक है नेक्स्ट है रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ टेन एक्स रेज टू दावर एन राइट तो आई एन इक्वल टू टेन एक्स रेज टू दावर एन डीएक्स राइट ये सबसे आसान है देखिए ये आसान कैसे है तो इसको लिख लेंगे टेन ऑफ एन माइनस टू एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स राइट ठीक है अब टेन स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन तो ये टेन एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स ठीक है अलग अलग कर दीजिए तो ये है टेन एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन एन माइनस टू एक्स डी एक्स ठीक है ये क्या है तो आई एन माइनस टू है करेक्ट राइट right, अब इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स टी है तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी तो टी रेज टू दावर एन माइनस टू का इंटीग्रेशन है तो टेन टेन ऑफ एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू आई एन इक्वल टू ये वैल्यू आ गई तो ये रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ टेन एक्स रेज टू दावर एन है ठीक है नेक्स्ट है रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ कॉशिक एक्स रेज टू दावर एन राइट तो आई एन इक्वल टू आई एन इक्वल टू कॉसिक एक्स रेज टू दावर एन डी dx ठीक है इसको लिखिए कॉशिक x रेस टू दी पावर एन माइनस टू इन टू कॉसिक स्क्वायर एक्स डीएक्स राइट तो लिखिए इसको cosec एन माइनस टू एक्स राइट इन टू x स्क्वायर एक्स डी एक्स राइट बाय पार्टस लगा दीजिए ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन ठीक है तो ये हो गया cosec एन माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो ये है माइनस ऑफ कॉटेक्स राइट माइनस डिफ्रेंसीशन तो एन माइनस टू राइट कॉसिक कॉसिक एन माइनस थ्री एक्स राइट इन टू राइट माइनस कॉसिक एक्स इन टू इनटू इन टू फिर इंटीग्रेशन माइनस कॉटेक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स ये बना ठीक है अब देखिए तो ये बना कौशिक एन माइनस टू एक्स इन टू माइनस कॉट एक्स राइट एन माइनस टू बाहर तो एन माइनस टू बाहर राइट right? और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस राइट कौशिक एन माइनस थ्री एक्स इन टू कौसिक एक्स तो लिखेगा कौशिक एन माइनस टू एक्स बचा क्या कॉट स्क्वायर एक्स इसको लिखिए कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस वन डीएक्स ठीक है अब यहां से ब्रेक कर दीजिए रिडक्शन फॉर्मूला बन जाएगा राइट तो ये हो गया कॉसिक कॉसिक एन माइनस टू एक्स माइनस ऑफ कॉटिक्स माइनस एन माइनस टू राइट कॉसिक कॉसिक एन एक्स डी एक्स राइट माइनस राइट right? तो माइनस है कौशिक एन माइनस टू एक्स राइट कौशिक एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो लिखिए एन माइनस टू एन माइनस टू कौशिक एन माइनस टू एक्स डी एक्स ठीक है ये बन गया अब देखिए तो ये वाला टर्म क्या है तो ये है आई एन ये क्या है तो यह है आई एन माइनस टू करेक्ट आई एन वाला टर्न एक साइड ले आइए राइट right? तो फिर से आई एन कॉमन वन प्लस एन माइनस टू राइट तो एन माइनस वन आई एन की वैल्यू आ गई कॉसिक एन माइनस टू एक्स माइनस कॉट राइट और ये वाला एन माइनस टू आई एन माइनस टू ठीक है एन माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ कॉसक एक्स रेज टू पावर एन आ गया ठीक है नेक्स्ट है रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ आई एन इक्वल टू आई एन इक्वल टू सेक एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स तो बिल्कुल कॉशेक वाले तरह है ठीक है तो इसको भी लिखिए सेक एन माइनस टू एक्स इन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन राइट लिखिए सेक एन माइनस टू एक्स इन टू टेन एक्स माइनस तो लिखते जाइए एन माइनस टू सेक एन माइनस थ्री एक्स सेक एक्स टेन एक्स इन टू टेन एक्स डी एक्स राइट तो ये क्या मिला आपको तो ये मिला सेक एन माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एन माइनस टू राइट सेक एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स फिर से अलग अलग कर दीजिए राइट तो ये है सेक एन माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एन माइनस टू सेक sec x raised to the power n dx plus n minus 2 right sec n minus 2x dx ठीक है ये है आई एन और ये है आई एन माइनस टू ठीक है आई एन वाला टर्म एक साइड ले आइए तो n माइनस वन आई एन की वैल्यू आ गई sec एन माइनस टू एक्स टेन एक्स राइट प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू एन माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए इसका रिडक्शन फॉर्मूला हमें मिल गया ठीक है नेक्स्ट है रिडक्शन फार्मूला ऑफ कॉटिक्स रेज टू पावर एन तो बिल्कुल ये टेन एक्स रेस्ट टू पावर एन की तरह ही है राइट right? तो आई एन इक्वल टू आई एन इक्वल टू कॉट एक्स रेज टू दी पावर एन डी एक्स राइट तो इसको लिख लीजिए आप कॉट एन माइनस टू एक्स इन टू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स ठीक है अब इसको लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन तो ये बन जाएगा कॉट एन माइनस टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स राइट तो यह है कॉट एन माइनस टू एक्स इंटू कौसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स राइट माइनस कॉट एन माइनस टू एक्स डी एक्स ठीक है ये है आई एन माइनस टू राइट अब इसमें cot x को टी मानिएगा तो ये है माइनस डी टी तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा तो माइनस कॉट एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस आई एन माइनस टू आई एन इक्वल टू दिस रिडक्शन फार्मूला ऑफ कॉटिक्स मिल गया आपको ठीक है तो ये सारा रिडक्शन फार्मूला जो था वो सिंगल वेरिएबल में था राइट अब रिडक्शन फार्मूला जब आपके पास दो वेरिएबल है तो कैसे निकालेंगे आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे ठीक है नेक्स्ट हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला फॉर टू वेरिएबल लेंगे राइट जैसे अगर बोले कि आई एम एन एम कॉमा एन यहां दो वेरिएबल है एम और एन राइट इसका रिडक्शन निकालना है आपको तो कॉस एक्स रेज टू दावर एम इन टू साइन एनएक्स डीएक्स का राइट ध्यान दीजिएगा तो फिर से पार्ट्स लगाएंगे ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन राइट लिखेंगे कॉस एक्स रेज टू दावर एम इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस डिफ्रेंसी तो लिखेंगे एम कॉस एम माइनस वन एक्स राइट इन टू माइनस साइन एक्स राइट इंटीग्रेशन इसका कॉस माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन डी एक्स ठीक है अब क्या मिला हमें हमें मिला कॉस एक्स रेज टू दी पावर एम राइट इन टू माइनस कॉस एनएक्स अपॉन एन राइट उसके बाद माइनस एम वाई एन राइट कॉस एम माइनस वन एक्स राइट इन टू कॉस एन एक्स इन टू साइन एक्स ठीक है अब ध्यान दीजिएगा राइट right? इस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स को हमें किसी दूसरे फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कॉस पावर एम तो मिल ही गया हमें चाहिए आपको साइन के फॉर्म में ये वाला टर्म राइट तो हम जानते हैं ध्यान दीजिएगा साइन ऑफ राइट साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स मतलब साइन एन एक्स माइनस एक्स की वैल्यू राइट तो साइन एन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स ये होगा राइट तो हमें चाहिए कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स तो इसको इधर ले आइए और इसको इधर भेज दीजिए राइट तो इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं हम तो लिखते हैं कॉस एक्स रेस्ट टू द पावर एम इंटू माइनस कॉस एनएक्स अपॉन एन राइट माइनस एम बाई एन कॉस एम माइनस वन एक्स और इसकी जगह इसकी जगह लिख देते हैं हम लोग कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स की जगह लिख देते हैं साइन एन एक्स राइट इन टू कॉस एक्स माइनस माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स डी एक्स तो कोई फर्क पड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ा इट right? तो हमें क्या मिला तो हमें मिला कॉस एक्स रेस्ट टू द पावर एम राइट right? अब ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस कॉस एनएक्स अपॉन एन कॉस एक्स रेस्ट टू दावर एम इन टू माइनस कॉस एनएक्स अपॉन एन राइट right? माइनस एम बाई एन ठीक है अब देखिये तो कॉस एम माइनस वन एक्स इन कॉस एक्स क्या है तो यह है कॉस एक्स रेस्ट टू दावर एम इन टू साइन एन एक्स डी एक्स करेक्ट और बचा क्या माइनस माइनस प्लस ठीक है एम बाई एन राइट क्लियर है कॉस एम माइनस वन एक्स इंटू साइन एन माइनस वन एक्स डी एक्स ठीक है अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है तो यह है आई एम एन और ये क्या है तो ये है आई एम माइनस वन एन माइनस वन ठीक है अब इस टर्म को एक साइड ले आइए तो आई एम एन कॉमन वन प्लस एम बाई एन की वैल्यू हुई कॉस एक्स रेज टू दावर एम माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन प्लस एम बाई एन इसको आई एम माइनस वन एन माइनस वन ठीक है तो आई एम एन निकाल दीजिए आपका रिडक्शन फॉर्मूला दो वेरिएबल के लिए निकल गया ठीक है इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए राइट रिडक्शन फार्मूला अगर हमें यह पूछे आई एम एन इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू दावर एम राइट इन टू कॉस एनएक्स इसका रिडक्शन निकालना है ठीक है तो फिर से पहले वाले की तरह ही पार्ट्स लगाएंगे ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन तो लिखेंगे हम लोग ध्यान दीजिएगा तो कॉस एक्स रेज टू पावर एम इसका इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस डिफ्रेंसिएशन तो एम कॉस एम माइनस वन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स राइट और इसका इंटीग्रेशन साइन एन एक्स राइट डिवाइडेड बाय एन डी एक्स राइट तो m बाई एन फिर से बाहर तो ये मिला कॉस x रेज टू दी पावर m इन टू साइन एन एक्स अपॉन एन राइट ये मिला माइनस माइनस प्लस m बाई एन राइट कॉस m माइनस वन एक्स इन टू साइन एक्स इन टू साइन एन एक्स ठीक है अब ध्यान दीजिएगा इस वाले टर्म को आपको कॉस में लाना है राइट तो फिर से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग तो लिखेंगे कॉस राइट एन माइनस वन इन टू एक्स तो क्या होता है कॉस ए माइनस बी तो लिखेंगे इसको कॉस एन एक्स राइट इन टू कॉस एक्स प्लस साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स देखिए तो ये मिल गया हमें इसको रिप्लेस कर देंगे दिस माइनस दिस से तो हमें क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा कॉस एक्स रेज टू द पावर एम साइन एन एक्स अपॉन एन ठीक है प्लस एम वाई एन राइट कॉस कॉस एम माइनस वन एक्स राइट इसको लिख दीजिए इसकी जगह तो लिखेंगे कॉस एन माइनस वन इन टू एक्स ठीक है माइनस कॉस एन एक्स इन टू कॉस एक्स राइट डी एक्स ठीक है ध्यान दीजिए राइट right? अब इसको यहां से अलग अलग कर लीजिए तो देखिए तो ये वाला टर्म क्या मिलेगा ये वाला टर्म मिलेगा आई एम माइनस वन एन माइनस वन देखिए तो तो ये है कॉस एक्स रेज टू दी पावर एम साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस एम बाई एन राइट डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे ये मिला आई एम माइनस वन एन माइनस वन ठीक है अब बचा क्या हमारे पास तो माइनस एम बाई एम बाई एन राइट कॉस एम माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स रेज टू दावर एम इन टू कॉस एन एक्स राइट तो ये है क्या तो ये है आई एम कॉमा एन राइट इस टर्म को इधर ले आइए वन प्लस एम बाई एन इन आई एम एन की वैल्यू ये मिली आईएमएन निकाल दीजिए तो रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ दिस फंक्शन आपको मिल गया ठीक है अब एक अल्जेब्राइक फंक्शन का रिडक्शन ले लेते राइट तो आई एन सपोज है आपके पास आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दावर एन डीएक्स इसका रिडक्शन चाहिए ठीक है तो क्या करते हैं इन टू वन बाई पार्ट्स लगा दीजिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन ठीक है तो ये बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दावर एन इन टू एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस एन इन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दावर एन माइनस वन इन टू माइनस टू एक्स ठीक है इसका इंटीग्रेशन राइट right? x dx, ठीक है ना लिख दिया क्लियर है अब ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दावर एन n टू एक्स राइट अब देखिए बाहर क्या आया तो बाहर आया प्लस टू एन ठीक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दावर एन माइनस वन राइट अब देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू दावर एन बनाना है तो हम क्या करें यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर राइट एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर राइट माइनस ए ठीक है तो एक माइनस साइन इसको कैंसिल करना पड़ेगा तो यहाँ ले लीजिए माइनस राइट डी ऐसा लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ा राइट right? अब देखिए जैसे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन बन जाएगा तो इसको लिखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दावर एन इन टू एक्स माइनस टू एन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दावर एन प्लस टू एन ए राइट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स यहाँ भी डी एक्स राइट ये वाला क्या है तो ये वाला चीज़ है आई एन राइट ये क्या है तो ये है in -1, आई एन माइनस वन ठीक है आई एन वाला टर्म एक साइड तो आई एन के साथ मिला वन प्लस टू एन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर एन इन टू एक्स प्लस टू एन ए आई एन माइनस वन राइट इसको वन प्लस टू एन को इधर भेज दीजिए तो रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर एन मिल गया ठीक है करेक्ट अब एक रिडक्शन फार्मूला ले, ले लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का राइट right? तो सपोज आपके पास फंक्शन है आई एन इक्वल टू एल एन एक्स रेज टू दावर एन डी एक्स ठीक है तो फिर से इंटू वन लिखिए बाई पार्ट्स लगाइए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन करेक्ट तो ये क्या हो जाएगा तो एल एन एक्स रेज टू द पावर एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो एन इंटू एल एन एक्स रेज टू दावर एन माइनस वन इंटू वन बाई एक्स राइट इंटू इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स ठीक है एक्स एक्स कैंसिल हो गया राइट तो हमें क्या मिला हमें मिला एल एन एक्स रेज टू दावर एन इन टू एक्स राइट माइनस एन एल एन एक्स रेज टू दावर एन माइनस वन डी एक्स ठीक है अब देखिए तो ये वाला टर्म क्या है तो ये वाला टर्म नथिंग बट आई एन माइनस वन है राइट तो कहने का मतलब आई एन की वैल्यू आ गई एल एन एक्स रेज टू द पावर एन इन टू एक्स माइनस एन आई एन माइनस वन राइट तो इसका रिडक्शन फार्मूला हमें मिल गया ये ठीक है मेरे ख्याल से आप लोगों को रिडक्शन फार्मूला समझ में आ गया होगा राइट तो एग्जाम में किसी तरीके से आपको रिडक्शन फार्मूला बेस्ड सवाल पूछे तो आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्या करना है हमें किस फॉर्म में लाना है ठीक है तो ये रिडक्शन फार्मूला आपका समाप्त हो गया अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन जो है अलजेवरा का चीज़ है तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन करने आता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल आसान है ठीक है